ई बुक लॉन्चिंग की, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते। क्योंकि फर्स्ट वेव में असिम्प्टोमेटिक जितने भी मामले थे उनको दवा की आवश्यकता नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन में रख करके सामान्य उपचार के माध्यम से वे लोग अपना वहां पर उपचार करा सकते थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सिम्टोमेटिक जितने भी थे उन्हें हम हॉस्पिटल भेज रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव ने तमाम नए चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत की। सेकेंड वेव में यह भी हमारे सामने आया कि अगर हमने दो दिन के अंदर उपचार प्रारंभ नहीं किया तो मरीज धीरे धीरे क्रिटिकल स्थिति की ओर गया, और इसीलिए हम लोगों ने 15 अप्रैल के बाद से 72,000 निगरानी समितियों को गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में भेज करके उनसे कहा गया कि भाई देखिए आपका काम है कि घर घर आप सर्वे करिए और दवा किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को, क्योंकि ये लक्षण कोरोना के भी हो सकते हैं और ये लक्षण सामान्य वायरल फीवर के भी हो सकते हैं। हम सब जान रहे हैं ये सीजन इस समय टेम्परेचर 45-46 होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर 30-35 के बीच में है। जब भी मौसम में इस प्रकार का बदलाव होगा ये वायरल इन्फेक्शन के लिए अनुकूल अवसर होता है, और मैं इस बात से पिछले 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा हूं तो मैंने इस चीज पर अनुभव किया कि हमें वास्तव में मेडिसिन किट अर्ली भेजनी पड़ेगी। जितना अर्ली एंड एग्रेसिव हमारा कंपेन होगा हम उतनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा पाएंगे, और उसका परिणाम भी रहा कि हमने पहले चरण में निगरानी समितियों के माध्यम से दवा पैकेट घर घर भेजना प्रारंभ किया। अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करवाना, और एंटीजन टेस्ट के बाद जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा थी उन्हें होम आइसोलेशन में, जिनके पास नहीं थी उन्हें क्वारंटीन सेंटर में या फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की व्यवस्था की। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले, आज उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव पर हम लोग लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस काफी कम हो चुके हैं, और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 61 जनपदों में आज से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक की पूरी छूट दी है। यही नहीं 3 नए जनपद और हैं जिनको आज फिर हम छूट देने जा रहे हैं, जहां भी 600 से कम एक्टिव केस हैं उन जनपदों को हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की कार्रवाई प्रारंभ की, और उसमें सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वेव में कुछ और चीजें देखने को मिली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का, फर्स्ट वेव में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया, और इसलिए यहां पे 14 प्रदेश के भी और बाहर के भी ऐसे इस फील्ड के जो विशेषज्ञ थे उन सब को लेकर के हम लोगों ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाई जो प्रतिदिन राज्य सरकार को कुछ न कुछ सुझाव देती है। जैसे पोस्ट कोविड का देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में इससे मौतें हुई, अगर हम पर मिलियन डेथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुनिया में भी और देश में भी सबसे कम मौत वाला राज्य है। हमारे यहां पर मिलियन केवल 47 मौत है, जबकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में या देश के अन्य राज्यों में आप देखेंगे ये कई ज्यादा सैकड़ों में है, कहीं 400 है, कहीं 700 है, कहीं 800 है। अगर आप यूएस में देखेंगे तो पर मिलियन वहां पे डेथ 1800 है, यूरोप में देखेंगे 2100 है। क्योंकि जितनी जल्दी हम पेशेंट को कंटेन कर लें, उसकी दवा प्रारंभ कर लें, उसका उतना प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा, और ये चीजें हम लोगों ने इसमें देखी। दूसरा, हमारा जो एडवाइजरी ग्रुप था वह प्रतिदिन हमारे साथ बैठता था, प्रतिदिन एक एक जनपद का, मैं सुबह टीम 9 के साथ बैठता हूं, इसके बाद एक एक जनपद का सर्वे करके वहां के जिला प्रशासन से भी पूछता हूं। टीम भी अपना काम करती है, मैं पैदल अपना काम करता हूं। सीएम हेल्पलाइन अलग से एक एक पेशेंट के बारे में जानकारी लेती है, वह हॉस्पिटल में हो, होम आइसोलेशन में हो, जिले के अंदर ICCC अपने स्तर पर उनकी हर जगह हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसका करवाते थे, तो सही तथ्य सबके सामने आ जाए। यह कार्रवाई हमारी निरंतर चली, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश एक सेफ स्थिति में सेकेंड वेव की दिशा से है। पोस्ट कोविड वार्ड भी हम लोगों ने हर जनपद में स्थापित किए कि किसी भी पेशेंट को अगर कोविड पॉजिटिव के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और उसे घर भेजना है, अच्छा होगा घर में स्थिति नहीं तो हम उसको पोस्ट कोविड वार्ड में एडमिट करके उसकी दवा की, उसके भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में भी हम लोगों ने देखा रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल बंद हैं,
तो मरीज के परिजनों के लिए कम्युनिटी किचन चलाए गए, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को भी भोजन मिल जाए, कोई भूखो न सोए। राज्य सरकार इस स्तर पर लगातार भारत सरकार के साथ मिलकर के निरंतर प्रयास करती रही, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि यह ई बुक कितनी महत्वपूर्ण, इसके महत्व को हम इस बात से लगा सकते हैं। मैंने पिछले 25 दिनों के अंदर प्रदेश के 40 जनपदों का भ्रमण किया और इन 40 जनपदों के भ्रमण के दौरान मैंने कुछ चीजें महसूस की, खासतौर पर कि बहुत सारे गांवों में लोग टेस्ट से भाग रहे थे। हम लोगों ने वहां संवाद किया, बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, मंत्रियों को भेजा कि लोगों को समझाइए टेस्ट से ना भागें, ये टेस्ट उन्हें बचाओ, उनका बचाव करेगा। बहुत सारी जगह लोग वैक्सीन से भाग रहे थे, इतनी भ्रामक प्रचार वैक्सीन के बारे में किया गया, लोग भाग रहे थे। बाराबंकी में एक गांव में जब वैक्सीन देने के लिए टीम गई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, तो गांव के लोगों ने, कुछ लोगों ने नदी में कूद गए। बाद में सीनियर अधिकारी वहां गए, लोगों को समझाया गया, अंततः उस दिन 100 लोगों ने वहां वैक्सीन भी ली। ये लगातार प्रयास हरेक स्तर पर प्रारंभ हो रहे हैं, और टेस्ट करवाने से कोई भागे ना, वैक्सीन लेने से कोई भागे ना, हमें बचाव के उन सर्वोत्तम उपायों को करना होगा। पहले वेब से ही कहा जा रहा है कि 5 प्रकार की जो कैटेगरी पहले से तय की गई, जो हाई रिस्क कैटेगरी है, 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, वह बाहर न निकलें, घर के अंदर भी मास्क धारण करके रखें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर अगर निकलना ही है तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अगर ये सभी, इस कोविड बिहेवियर को हर व्यक्ति अपनाता है, तो मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर कोविड की चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिल सकती है। और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है, यह किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समुदाय को बचाने की नहीं, ये मानवता को बचाने की लड़ाई है। और मानवता को बचाने की इस लड़ाई में हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को, हर एक संगठन को, हर एक समुदाय को मिलजुल करके आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे प्रसन्नता है कि हर एक तबके ने बढ़ चढ़ करके इस पूरे अभियान में सहभागी बनकर के अपना सहयोग किया, क्योंकि हमें आशंका थी पर्व और त्योहारों के दौरान कि लोग एकाएक बाहर निकलेंगे, समस्याएं आ सकती थी। हमने सभी तबके के धर्मगुरुओं से संवाद बनाया, मैंने स्वयं सभी निगरानी समितियों के साथ संवाद बनाया, हर एक स्तर के लोगों से भी हम संवाद बनाते रहे। आज उसका परिणाम है, हर व्यक्ति उसमें अपना सहयोग दे रहा है। और इस ई बुक का महत्व इसी बात को लेकर के, क्योंकि जो भ्रांत धारणाएं, उन सभी भ्रांतियों को दूर करने में इस ई बुक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसके लिए मैं अपने राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव जी का और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और उन सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने ये तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि मैंने देखा है वास्तव में इतना सटीक और वैज्ञानिक जानकारी इसके साथ दी गई है, ये ई बुक हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होगी। क्योंकि अभी जो आशंकाएं थर्ड वेव की जा रही हैं, हमने उसके लिए कार्य शुरू किया है, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, बूथ, इस अभिभावक स्पेशल बूथ बनाकर के 12 वर्ष से छोटी उम्र के प्रत्येक अभिभावक को अगले 3-4 महीनों के दौरान हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकें और पूरी तरह वैक्सीन देकर के सुरक्षा कवच उपलब्ध करा सके, ये तो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये ई बुक अपने पब्लिक पोर्टल के माध्यम से हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगी, तो बच्चे जैसे ऑनलाइन शिक्षा इस समय ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, उनको भी हम अपने क्लासेस के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से या समाज के प्रबुद्ध जनों के माध्यम से, हमारी अपील होनी चाहिए सभी अधिवक्ताओं से, समाज के प्रत्येक तबके के लोगों से
और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या जितने भी संस्थाएं, ये सभी अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इस ई बुक को उन सभी बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर कहें, देखने के लिए जरूर कहें, कितनी उपयोगी जानकारी है और बड़ा तथ्यात्मक सटीक। क्योंकि मैं तो पिछले 1.25 साल से केवल इसी कार्यक्रम के साथ, इस कार्यक्रम के साथ बहुत नजदीक से जुड़ा हूं और मैंने एक एक स्तर पर इसको देखा कि बहुत सटीक और तथ्यात्मक जानकारी इसके साथ दी गई है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये अत्यंत उपयोगी साबित होगी और कोविड महामारी से लड़ने में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक नया हथियार ये हम सबके साथ में होगा कि हम एक बड़े तबके को इस प्रकार की जागरूकता के माध्यम से बचाने में सफल होंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति कोविड-19 पर इस नई जानकारी के लिए, इस ई बुक के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहां पर मुख्यमंत्री